चमोली के नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने विकास और समन्वय को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण चलाना इस समय उनकी तत्कालीन प्राथमिकता है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और विभागों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया और प्रशासन विकास के लिए जरूरी स्तंभ है, इनके समन्वय से विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से काम लेना और उनके साथ तालमेल करते हुए जिले के विकास को आगे बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता में है। मेरी प्राथमिकता एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगी कि जो विकास कार्य चल रहे हैं वो गति दिया जाए, जो काम हमें पीछे चल रहे हैं उसमें हम समय से पूरा कर लें उसको। अभी विधानसभा का सत्र होना है गैरसैंण में, उसको एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने।